आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। क्लास स्टार्ट करवाने से पहले बोल दूं, 60 सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन के ऊपर जो आपको स्टैटिक जीके का ऑलमोस्ट 90% जो टॉपिक आपको दिया गया है, प्लस जनरल साइंस के 850 क्वेश्चन है, उसके अंदर अभी ना आपको जीके करेंट अफेयर भी आपको 4-5 दिन के बाद देखने को मिलेगा, वो भी सेक्शन वाइज उसी 69 में। लेकिन ना अभी आपको पता है एनटीपीसी में भी CBT2 में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला जीके, तो ये 3 दिन के बाद ना हो सके तो ये प्राइस जो है वो आप सभी का बढ़ जाएगा इसका, ठीक है। तो जितने लोगों को भी लेना है आप सभी 69 में अभी ले सकते हैं 27 मार्च तक, उसके बाद डेवलपर जो है इसको अपडेट कर देगा। उसके बाद आपको उसी स्टैटिक जीके वाले टॉपिक में ना, यानी उसी सेक्शन में आपको स्टैटिक जीके, जनरल साइंस, करेंट अफेयर, जीके आपको आहिस्ता आहिस्ता सब देखने को मिलेगा। लेकिन ना जो भी लेना आप कम से कम ना टॉपिक को कंप्लीट करते रहिए, क्योंकि आने वाला 3-4 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मोटा मोटी सब एग्जाम लाइन बाय लाइन जो है वो आपका चल रहा है। और आज का करेंट अफेयर जो कवर करेंगे हम सभी 24 अगस्त के करेंट अफेयर, क्लास डेली सुबह में 8 बजे चल रहा है। और कल बहुत चर्चा का विषय रहा था आपका ये टॉपिक, क्वेश्चन क्या बोल रहा है याद होगा कि जाति जनगणना के लिए सभी जो क्षेत्र पार्टी है वो ऑलमोस्ट एक साथ आ गई है। उनका बोलना है जो जाति जनगणना है ना 21 वाला जो जनगणना होगा वो जाति जनगणना होना चाहिए, यानी कास्ट के आधार के ऊपर। तो क्वेश्चन आज का बहुत इंपॉर्टेंट है, जाति आधारित जनगणना की मांग के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए 10 दलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। 10 पार्टी के लोग जो है वो प्रधानमंत्री से मिलने गए थे ताकि 21 वाला जो जनगणना हो ना वो कास्ट के आधार पर हो। और इस 10 दल के बैठक को लीड कौन कर रहा था, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और एग्जाम में अगर आप सभी से पूछे ना कि पहली बार कास्ट सेंसन यानी जातीय जनगणना भारत में कब हुआ था, तो आप एकदम मत बोलिएगा 1881 में हुआ था। और इसका आंसर क्या हो, किस राज्य के मुख्यमंत्री, आपका बिहार का। और एक चीज याद रखना है आप सभी को कि भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुआ था, तो एकदम याद रखिएगा 1830 में। और इस जनगणना को किसके द्वारा करवाया गया था, हेनरी वाल्टर के द्वारा। और एक चीज याद रखिएगा, अगर एग्जाम में आप सभी से पूछे ना कि जनगणना का जनक किसको बोला जाता है भारत में, तो उसका आंसर भी क्या होगा, हेनरी वाल्टर। तो ये आप याद रखिएगा, पहली जनगणना कब हुआ था, 1830 में, ठीक है। और दूसरा चीज आपको याद रखना है, जातीय जनगणना कब हुआ था, तो 1881 में आपको याद रहेगा, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं एकदम बाबू ये सब चीज ना अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन, भारत के सैली सिंह ने विश्व एथलीट्स अंडर 20 चैंपियनशिप में किस खेल में रजत पदक जीता है। आपको पहले ये अगर एग्जाम में पूछे ना, अंडर 20 यानी 20 साल के कम उम्र वाले जितने भी एथलीट्स खिलाड़ी हैं उनके लिए एक चैंपियनशिप चल रहा है, ये चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में हो रहा है, तो एकदम मत भूलिएगा आपका केनिया में। कहां पर, तो केनिया में। और इस खेल में ना रजत पदक जीता है किसने, सैली सिंह ने, तो कौन से खेल में, तो याद रखिएगा आपका लॉन्ग जंप, ऑप्शन नंबर बी क्या, आपका लॉन्ग जंप में। अच्छा ये इन्होंने क्या जीता है, आपका सिल्वर, तो गोल्ड किसे जीता है, तो स्वीडन के कौन, माजा अस्काग ने स्वर्ण पदक जीता है लॉन्ग जंप में, और सिल्वर पदक कौन जीता है, तो सैली सिंह ने, एकदम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी का लक्ष्य है ना 2029 तक मंगल ग्रह के चंद्रमा से मिट्टी का सैंपल लाना, यानी अब यहां से जो मिट्टी का सैंपल है ना वो लेकर आया जाएगा धरती के ऊपर 2029 तक, ये किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अनाउंसमेंट कर दिया है, तो जापान का अंतरिक्ष एजेंसी, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जैक्सा, जैसे भारत का इसरो है ना, जापान का क्या है, आपका जैक्सा, एकदम याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारत का पहला स्मोक टावर का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा किया गया, नई दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा कल ही किया गया। अच्छा ये स्मोक टावर है क्या, आप सभी को पता है पर्यावरण जितना प्रदूषित होता है ना उसको साफ करने के लिए, और ये दिल्ली के कॉर्नोट प्लेस में लगाया गया, बोला गया है ना 1 किलोमीटर तक के प्रदूषण को ये बहुत अच्छे से साफ कर देगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारत ने किस देश के साथ 70,000 AK-203 श्रृंखला वाला असॉल्ट राइफल की खरीद के लिए एक समझौता साइन किया है, 70,000 AK-203 राइफल का समझौता किया गया है रूस के द्वारा, यानी रसिया से ये मंगाया जाएगा राइफल भारत में। ठीक है, और रसिया का राजधानी क्या है आप सभी का, तो आपको पता होगा मॉस्को, और रसिया का अगर बात करें स्पेलिंग देख लीजिएगा आप सभी MOSCOW, और रसिया का प्रधानमंत्री का नाम, राष्ट्रपति का नाम व्लादिमीर पुतिन, और यहां का अगर मैं बात करूं यहां के क्या नाम है राजधानी क्या है आपका, राजधानी बोल चुका हूं मुद्रा, तो रशियन रबल यहां का राजधानी है। ठीक है, राजधानी बोला मुद्रा है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, एकदम याद रखिएगा आप सभी, न्यूबर्ग डायग्नोस्टिक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, अब पहले सुन लो आप सभी जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, ये जो कंपनी है वो किस टाइप का कंपनी है, जितने भी टेस्ट होते हैं ना आपका किसका, मान लो जितना भी टेस्ट होता है, जैसे मान लो यूरिन टेस्ट होता है या बीपी का टेस्ट होता है, बीपी का बीपी नापते हैं, या फिर मान लो ब्लड प्रेशर डायबिटीज का टेस्ट होता है, थायराइड का टेस्ट होता है, जितना भी टाइप का टेस्ट है ना वो सब कौन करवाता है, ये कंपनी करवाती है। तो इस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, माही को, ऑप्शन नंबर डी हमारा MS धोनी को, और आपको पता है आपके एग्जाम में ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 2030 तक जीरो हंगर पर एक वेबिनार का आयोजित किया गया है, पहले आप सभी को एक क्वेश्चन बताना भूल गया बाबू, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया ही नहीं। अच्छा जो डिजिटल जनगणना होने वाला है 2021 में, इसके ऊपर कितना बजट आवंटित किया गया था, तो बाबू वो तो बताना भूल गए, 3768 करोड़ रुपए बजट आवंटित किया गया है डिजिटल डिजिटल सेंसस जनगणना के लिए, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन हमारा सामने कहां पर था, तो इस क्वेश्चन पर हम लोग थे कि देखो जीरो हंगर यानी भूखमरी बिल्कुल भी ना रहे, जीरो हंगर के लिए ना 2030 तक कोई भूखा ना रहे, इसके ऊपर एक आयोजन किया गया, एक वेबिनार लगाया गया जिसका नाम दिया गया जीरो हंगर। यह किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है ये आयोजन, तो एकदम याद रखिएगा पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। अच्छा ये मंत्रालय किस मंत्री के पास है, तो भैया गिरिराज सिंह के पास मंत्रालय है, जो आप सभी का बेगूसराय बिहार से सांसद है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, बोला है विश्व एथलीट्स अंडर 20 चैंपियनशिप कहां पर हो रहा है, केनिया में। इसमें पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक किसने जीता है, एकदम 42 बाबू एकदम याद रखिएगा, 10,000 मीटर दौड़ को पूरा करने वाला भारतीय जिन्हें रजत पदक मिला है, कहां किसने, विश्व एथलीट्स अंडर 20 चैंपियनशिप जो केनिया में आयोजित किया जा रहा है, उनका नाम क्या, अमित खत्री, ऑप्शन नंबर हमारा क्या, ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हुरन जो एक एजेंसी है इसकी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में पूरे विश्व भर में 500 मोस्ट वैल्यूएबल यानी कीमती कंपनी के सूची में एक नंबर पर कौन है, तो एप्पल। एप्पल का फोन इस्तेमाल किए होंगे ना, किडनी बेचना पड़ता है इस एप्पल के फोन को खरीदने के लिए, तो ये कंपनी जो है वो आपका एक नंबर पर है। अगर आपके एग्जाम में पूछ देना भारत के तरफ से वो कंपनी कौन शीर्ष पर है ये हुरन रिपोर्ट की सूची में सबसे मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी की लिस्ट में, तो भारत से एक नंबर पर कौन है आपका, रिलायंस। रिलायंस को 57 नंबर स्थान दिया गया है, इस 500 वाले मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी में रिलायंस को 57 नंबर जो है वो स्थान दिया गया है, जो भारत का सबसे ऊपर है। अच्छा एक बात और, एप्पल कंपनी का सीईओ कौन है, तो आप बोलिएगा भैया पता है हमें, टिम कुक। ठीक है, कौन, टिम कुक।
अच्छा एप्पल कंपनी का गठन कब हुआ था भैया 1976 में, और एप्पल कंपनी का फाउंडर मतलब संस्थापक कौन था, तो आपको पता होना चाहिए स्टीव जॉब्स। बाबू एक बात और याद आया स्टीव जॉब्स से, एक स्टीव जॉब्स ना फिल्म है जो एप्पल के ऊपर ही बनाया गया है, ठीक है, नामी फिल्म का नाम है स्टीव जॉब्स। बाबू इतना भयंकर मूवी है ना, देखकर मोटिवेशन मिलता है। हालांकि मैंने बहुत देखा कि हिंदी वर्जन में, हिंदी में मूवी अवेलेबल नहीं है, यूट्यूब के ऊपर इंग्लिश में मिल जाएगा। गजब का मूवी है, देखेंगे ना तो बोलेंगे मेहनत किसको होता है, पागलपन किसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, शांतिलाल जैन को किस बैंक का एमडी और सीईओ बना दिया गया, एमडी मतलब प्रबंध निदेशक और सीईओ, तो याद रखिएगा इंडियन बैंक का नया प्रबंध निदेशक और सीईओ किसे बनाया गया है, तो शांतिलाल जैन को। और एक बात, आज का अंतिम क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन से आपका पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर मुख्यालय, इंडियन बैंक का गठन कब हुआ यानी एस्टेब्लिशमेंट, और इंडियन बैंक का टैगलाइन यानी हर एक बैंक का अलग अलग टैगलाइन होता है, तो इंडियन बैंक का टैगलाइन क्या है। ये तीन चीज आपको इंडियन बैंक के बारे में कमेंट कर बताना है, यह आपका आज का पहला प्रश्न है। तो ये थे आपके आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 24 अगस्त का। जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन आज का बहुत अच्छा हो। और एक बात, अपने साथ साथ ना अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा और खास कर अपने देश का भी, ठीक है। जय हिंद। बाकी क्लास पता है आपको 3 बजे क्लास मिलेगा, 6 बजे मैथ का क्लास मिलेगा, 10 बजे आपका रीजनिंग का क्लास मिलेगा, ठीक है।